ओके को की बात नैनू बाबू केवल और क्लास पेशन को बताई दिए को थियो। हेलो नैनू बाबू क्लासिफिकेशन पछि पढाउनु न त ल ल ठीक छ पैरामेशियमहरु बाकी थियो हजुर त्यो चाहिँ भा छैन पैरामेशियम भए छैन पैरामेशियम क्लास बाकी छ त उता यो इन्टमीबा लेस्मेनियाहरु पढाइ भइसक्यो जियार्डियाहरु नै छैन क्लास पेशनै बताइयो होला नि नानु छ कहाँ से बताइए भन्नु जनरल क्यारेक्टर पनि सक्यो यस जनरल क्यारेक्टर सकेर क्लास पेशन सुरु भएको थियो नानु कि क्लास पेशन सकेको थियो क्लासिफिकेशन सकेको थियो अरु पढाउनु के सर ए ल ल ठीक छ क्लास पेशन में तो फिर सब पढ़् नहीं नानु यो क्लास पेशन में जू फ्लाइज लेटा में कि पढ़ने इस कर सब को अलि जानू पर्ने भाई ठीक है तपन एक्चुअली क्लास पेशन बाट नहीं सुरू कर दू क्लास पेशन को बाकी जो क्यारेक्टर छाट नहीं क्यारेक्टर क्लास पेशन तो भैस एक्जापल सहित बताइ हाई तब हम हर क्लास ल क्लास पेशन बाट नहीं हाई क्लास जूम एसटीओ फोरा जूम एसटीओ फोरा और एलाई अर्को नाउ के भनिन्छ जू फ्लेजिलेटा फ्लेजिलेटा हाई तो ऑब्वियसली लोकोमोशन वाई के फ्लेजिला लोकोमोशन वाई के फ्लैजिला बॉडी इज कवर्ड विथ पेलिकल कवर्ड विथ के पेलिकल पेलिकल मोस्टली आर एक्वेटिक मोस्टली के एक्वेटिक मोस्टली के एक्वेटिक है तो अब आई हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस एग्जांपल तीर जाऊ नाउ फर्स्ट प्रोटेरोस्पंजिया बाट नहीं प्रोटेरोस्पोंजिया इसको बारे में भन्नु यू नो प्रोटोजोआ फर्स्ट और प्रिमिटिव स्पोंजिया नर्मली पोरीफेरा ऑब्वियसली प्रोटेरोस्पोंजिया इज अ कनेक्टिंग लिंक विद लोकोमोशन लाइक के भाई इसको फ्लैजिला बॉडी इज कवर्ड विद पेलिकल यो के हो एक्वेटिक हो क्लियर छ कि इसमें हम इस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन के कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन के तो प्रोटोजोआइन पोरीफेरा त्यस्तै अर्को एग्जांपल में युग्लिना के युग्लिना युग्लिना फर्स्ट के होता ये लोकोमोशन बाई फ्लैजिला भयो बॉडी इज कवर्ड विथ पेलिकल ओनली फाउंड इन के एक्वेटिक तो हो तर ओनली फाउंड इन के फ्रेश वाटर ओनली फाउंड इन के फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर क्लियर छ अनि ऑब्वियसली बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल यो के हो त ध्यान दिने मिक्जोट्रॉप्स हो क्यों मिक्जोट्रॉप्स हो मिक्जोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म हो अनि के हैव के क्लोरोप्लास्ट
इसको बॉडी में के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ ऑब्वियसली अब यसलाई किन मेगोट्रोफ्स भन्यो क्वेश्चन यहाँ छ क्लोरोप्लास्ट भए के गर्छन् त के डे टाइम में युग्लिना को बारे में हम कुरा गर्दा इन डे टाइम अब क्लोरोप्लास्ट भएपछि के गर्छ इन डे टाइम इट प्रिपेयर फूड मेटेरियल बाई देमसेल्फ लाइक प्लांट इन प्रेजेंस अफ के सनलाइट त्यस्तो खालको न्यूट्रिशनलाई हामी के भन्छौ नि के त्यस्तो खालको न्यूट्रिशनलाई होलोफाइटिक के होलो जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होलो भने अनि यहाँ हेरौँ होलो भनेको मतलब के गल्फ हुने सिधै फाइटिक भनेको प्लान्ट त के होलोफाइटिक न्यूट्रिशन फेरि बताउँदैछु होलोफाइटिक केलाई भनिन्छ इन नाइट टाइम इट फिड्स अपन अदर अर्गेनिजम नाइट टाइम अरूलाई पनि खान्छन् लाइक एनिमल जस्तो खानेमा फिड्स अपन ब्याक्टेरिया डायटम्स युनिसेलर अल्गी लाइक एनिमल लाइक ए एनिमल सो दैट टाइप अफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन अब हेर फाइटा भनेको प्लांट प्लांट एंड जू भनेको के एनिमल जू भनेको के एनिमल त के यहाँ दुईटै अब होलो फाइटिक प्लांट जस्तो दिनमा प्लांट जस्तो खाना बनाउने रातिमा एनिमल जस्तो अरूलाई खाँदै हिँड्ने रातिमा एनिमल जस्तो अरूलाई खाँदै हिँड्ने त्यस्तो खाले हामी के होलोजोइक न्यूट्रिशन अब क्वेश्चन छ कि एउटै अर्गेनिमले दुईटी खालको मोड अफ न्यूट्रिशन कसरी गर्छ त युलिनाको बडीमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ यहाँ हेरौँ युलिनाको बडीमा के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट अनि युलिना क्यान प्रिपेयर फुड मेटेरियल बाई देम सेल्फ इन प्रेजेन्स अफ के सनलाइट इनके प्रेजेन्स अफ के सनलाइट क्लियर छ सनलाइटको प्रेजेन्समा यो नर्मली आफ्नो खाना आफै बनाउँछ दिनमा त्यस्तो खालको प्रोसेस लाइक के भने त्यो प्रोसेस लाइक के भन्छ फोटोसेन्थेसिस एन्ड द्याट टाइप अफ न्युट्रिसन इज कल फोटो अटोट्रोपिक न्युट्रिसन र त्यसलाई स्पेसिफिक नाउँ के दियो साइन्टिस्टले होलोफाइटिक न्युट्रिसन अब राति राति के गर्छन् भने त के इट फिड्स अपन ब्याक्टेरिया डायटम्स युनिसेलर अल्गी That is called के होलोजोइक न्यूट्रिशन के होलोजोइक न्यूट्रिशन अब भन्नुहोस् दुइटै खालको न्यूट्रिशन एउटै अर्गेनिमले कम्प्लिट गर्छ भने त्यस्तो खालको मिक्स भएको भएन त्यो मिक्स भएको भएन त्यस्तो खालको न्युट्रिसनलाई के भन्यो मिक्जोट्रोपिक न्युट्रिसन के न्युट्रिसन मिक्जोट्रोपिक न्युट्रिसन के मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिशन सर यो जू मेस्टिगोफोरा फ्लाजेलेटा भन्नु र मेस्टिगोफोरा र फ्लाजेलेटा भन्ने एउटै है हो हो नानु अब त मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिशन दैट्स व्हाई युग्लिना इज कॉल्ड के मिक्जोट्रोप्स और दिनमा प्लांट जस्तो रातिमा एनिमल जस्तो क्यारेक्टर शो गरेको भएको कारणले यसलाई युग्लिनालाई अर्को नाम के भन्यो के कनेक्टिङ लिंक बिटवीन connecting link between between k plant and animal and animal okay why na plants you saw it so question theory question so there is a 2001 ra 3 ma Eulina belongs to kingdom answer k protista यो अब क्वेशन यो पनि दिएको थियो के युग्लिना इज अप्सनमा दियो स्युडोपोडियल फ्ल्याजिलेट टेन्टिकुलेट आन्सर के हुन्छ फ्ल्याजिलेट आन्सर के हुन्छ फ्ल्याजिलेट बिकज लोकोमोसन लाइक के फ्ल्याजिला है अब हामी फेरि कुरा गरौँ त्यसैले यसलाई के भयो मिजो युलिना इज के मिजोट्रोप अर्गानिजम युग्लिना इज के कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन प्लान्ट एन्ड एनिमल युग्लिनाको के युग्लिनाको बडीमा कस्तो खालको नर्मली के त क्लोरोप्लास्ट भएकोले
दिनमा आफ्नो खाना आफै बनाएको त्यस्तो न्युट्रिसनलाई के भन्यो होलोफाइटिक न्युट्रिसन। क्लियर छ? अब अर्को यहाँ यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ? अब बाबु नानु भन। बुकमा पनि छ, वर्क बुकमा पनि छ, त्यो क्लास पेसन हेडिङ मात्र चार्ट दिएको छ, चार्टको फेरि त्यसपछि हामी डिटेलमा एक्सप्लेन यसले गर्न गइरहेको छ सबै क्लासको। अब त्यसमा इक्जाम्पल पनि छ, त्यसको डिटेल पनि क्यारेक्टरसँगै बताउँदै गइरहेको छु नानु। त्यसको इक्जाम्पलको क्यारेक्टर के हो त्यो पनि बताउँदै गइरहेको छु, कुरा त्यस्तो है त। अब आयो के कराइदिने जियाडियाको बारेमा, जाउँ जियाडियाकै बारेमा। यु नो जियाडियाको पुरा नाउँ के हो? जियाडिया इन्टेस्टाइनलिस, अर जियाडियाको अर्को नाउँ के हो? जियाडिया ल्याम्बलिस पनि भनिन्छ, जियाडिया ल्याम्बलिस। कॉमन नेम ने कॉमन नेम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। नाउ हैबिटेट में कहाँ बसन दे यो? एनीबडी ट्राई? जियाडिया हैबिटेट इन व्हिच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी? ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ जेजुनम। यस के ड्यूडेनम, वेल डन। ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ जेजुनम, अपर पार्ट ऑफ जेजुनम एकदम परफेक्ट बनेको हो जेजुनम। ध्यान दिने त्यसैपछि हैबिटेट पछि डिजीज, यो के डिजीज गर्छ त? जियाडिया कॉजेस के जियाडियासिस। कॉजेज के डिजीज में कॉजेज के जियाडियासिस जियाडियासिस और के डायरिया डायरिया फेरी डिजीज पछि मर्फोलॉजी अदर के लाइफ साइकिल के मनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक डाई भनेको टू, जेनेटिक भनेको जेनरेशन। लाइफ साइकल कम्प्लिट इन टू होस्ट हो। जियाडिया डाइजेनेटिक हो कि मनोजेनेटिक? मनोजेनेटिक हो, मनोजेनेटिक, मनोजेनेटिक नॉट डाइजेनेटिक। किन? किनभने लाइफ साइकल सिंगल होस्टमा कम्प्लिट गर्छ, सिंगल होस्ट द्याट इज के ह्युमन, त के मनोजेनेटिक, मनोजेनेटिक द्याट इज के सिंगल होस्ट मनोजेनेटिक। मनोजेनेटिक मीन्स सिंगल होस्ट। Now,
अब हेर यसैमा यसको मार्फोलोजीमा के त मार्फोलोजीमा मेच्योर एन्ड क्वेशन छ सिम्टम कसरी बुझ्ने जिआरडिएसिसको सिम्टम्स त्यो पनि जानिहालौँ सिम्टम्समा सिम्टम्समा फर्स्ट के एब्डोमिनल पेन एब्डोमिनल पेन डायरिया फोर्सफुली डायरिया डायरिया नौसिया भनेको के नि बडी नौसिया भनेको के भाइ बहिनीहरू feeling like के vomiting clear छ nausea के loss of appetite loss of weight sir giardiasis के course मा छैन भन्नुभएको थियो त एसएस सरले सन्तोष पढाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो जिआरिया छ नि नानी किनभने एक्जाम्पल छ नि प्रोटोजुवाको त कि छैन डिजिजमा त्यस्तो राखेको छैन त्यसलाई क्वेसन त आइरहेछ नि त के डिजिजबाट डिटेलली जान पर्दैन भन्नको यस्तो हल्का क्यारेक्टर त चाहिन्छ नेचर एन्ड फिडिङ ठिकै छ नेचर एन्ड फिडिङ स्टेज अफ जिआरिया जिआरिया अप्सन ए मा छ मेरोजोइट ट्रोफोजोइट आन्सर बी मा छन् क्वाड्रिनिप्लेटेड सिस्ट सिस्ट सी मा ट्रोफोजोइट के ट्रोफोजोइट डीमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि प्रिसिस्टिक स्टेज आइदर के यसैमा हामी के ट्रोफोजोइट मेरोजोइट क्वाड्रिनिप्लेटेड सिस्ट ट्रोफोजोइट र डीमा हामी अमेस्टिगोट स्टेज के अमेस्टिगोट स्टेज अमेस्टिगोट स्टेज आन्सर के हुन्छ भन्नुहोस् ट्रोफोजोइट यस ट्रोफोजोइट एकदम राइट आन्सर हो नानुको ट्रोफोजोइट क्लियर छ यो त यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छ जिआरडिया कमन नेम के भइदियो ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन यो कहाँ बस्छ हाम्रो ड्युडेनम एन्ड अपर पार्ट अफ जेजुनम यसले डिजिज के गर्छ जिआरडिएसिस अर्के डायरिया त्यो कसरी बुझ्ने पहिला अलिअलि पेट दुख्ने पेट दुखेपछि के फोर्सफुली डायरिया हुने देन पातलो दिशा हुने लाग्ने कि जिउबाट सारा पानी निस्किसकेको छ अनि नसिया हुने वाकवाक लाग्ने लस अफ एपेटाइट भोक नलाग्ने यस्तो सिम्टमहरू देखिन्छ है त्यस्तै यसको लाइफ साइकल के हो त मनोजेनेटिक हो अनि यो डिजिज के गर्यो त मनोजेनेटिक सिङ्गल होस् द्याट इज ह्युमेन मेन मोड अफ ट्रान्समिसन के हुने कन्टामिनेटेड वाटर अर फुड मोड अफ ट्रान्समिसन के हुने कन्टामिनेटेड वाटर अर फुड मेच्योर फिडिङ स्टेज के भइदियो ट्रोफोजोइट के भइदियो ट्रोफोजोइट मोड अफ ट्रान्समिसन के भइदियो कन्टामिनेटेड वाटर
फेरि लास्मेनियाको बारेमा अलिकति अब किन नछुटोस् भने त्यो भएर नानु हो लास्मेनिया डोनोभेनी लास्मेनिया डोनोभेनीको कुरा गर्दा फर्स्ट के हामी के त लास्मेनिया डोनोभेनी यो के हो त यो पनि लोकोमोसन लाइक हो फ्ल्यारिला हो बडी इज कभर्ड विथ के पेलिकल हो अनि के हो डिजिज के प्यारासाइट हो कजेज के कालाजार डिजिज कजेज के कालाजार कालाजारको मिनिङ हो काला भनेको ब्ल्याक के ब्ल्याक काला भनेको के ब्ल्याक अजार भनेको के सिकनेस ब्ल्याक सिकनेस ब्ल्याक सिकनेस अरू भनौँ लगाउनु कालाजारको अर्को नाउँ के आयो सो कजेज के डमडम फिभर है त नाउ हामी कुरा गरौँ यसमा यो कहाँ बस्छन् लास्मेनिया डोन भने हाम्रो बडीमा बस्यो भने इन्टर गर्यो भने हेबिटेट इन के आरइएस यस भेरी गुड आरएस को फुल फॉर्म के नाम रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम एकदम परफेक्ट आंसर वाह रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम इंडोथेलियल सिस्टम थेलियल सिस्टम which includes KK. Blood vessels, lymph, liver. Which includes blood vessel, liver, spleen, bone, red bone marrow, रेड बोन मैरो ईटीसी ऑफ ह्यूमन ईटीसी ऑफ ह्यूमन एक नहीं हेलो हेलो भन नमस्ते नमस्ते म बाबु आउँछु यो दुई बजीसम्म मेरो क्लास छ 2:20 निमैको क्लासबाट छु निमैको क्लास घरमै त्यो क्लास सक्ने बित्तिकै लिएर आउँछु ल ल हुन्छ हुन्छ भोलि छैन होइन एउटा मात्र थियो ल ल ओके छैन पर्सि त छैन नि पर्सि त छैन नि ए ओके थ्याङ्क यू बाबु ल हुन्छ हस् ल ल है बोन मैरो क्लियर छ रेड बोन मैरो इटिसी अफ ह्युमेन ह्युमेन एन्ड अल्सो फाउन्ड इन अल्सो फाउन्ड इन कहाँ एनीबडी ट्राई गट एन्ड सलाइवरी ग्ल्यान्ड gut and k salivary gland of k gland of sandfly k sandfly
यो क्वेशन सोधेछ है बाबु नानीहरु आरियस व्हाट डू मीन बाय आरियस के आरियस के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स ब्लड ब्लड वेसल लिम्फ लिम्फ वेसल लिवर स्प्लीन रेड बोन मैरो क्लियर छ इनहरु सबै हो त्यहाँ बस्छन् हाम्रो र हामीलाई ड्यामेज गर्छन् इसको लाइफ साइकिल के भइदियो डाइजेनेटिक को लाइफ साइकिल के हो डाइजेनेटिक को लाइफ साइकिल के भइदियो और सिम्टम के हो कालाघर को त्यो पनि बताइदिन्छु लाइफ साइकिल के भइदियो एनिट्राइ डाइजेनेटिक दुईटा होस्ट में भएको भएन लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक भयो लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक डाइ भनेको टू जेनेटिक भनेको जेनेरेसन डाइ भनेको के टू जेनेटिक भनेको के जेनरेशन सो लाइफ साइकिल कम्प्लिट्स इन के टू जेनरेशन और टू होस्ट और के टू होस्ट क्लियर छ क्लियर बुझी राख्नु भएको छ यस अ यहाँ हेरौ टू होस्ट मा के एक मा प्राइमरी होस्ट के ह्यूमन ह्यूमन दुई मा सेकेन्डरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट के होने साइन फ्लाई को साइंटिफिक नेम के एनीबॉडी ट्राई नोबडी नानू मजाले जवाब दी राख्नु भएको थियो भन्नु फ्लेबोटोमास के फ्लेबोटोमास अर्जेन्टिपस अर्जेन्टिपस यस हाम्रो नानुको नाउँ के नानु एकदम परफेक्ट आन्सर दिन्छौ हेलो नानु यस सर के प्रिंसी प्रिंसी ओहो नाइस नेम एकदम पेपुलर नेम छ प्रिंसी द फर्स्ट टाइम सुनेको प्रिंस त सबै सुन्छ प्रिंसी है घर का नानु एकदम राइट नाउन राम्रो हो ल भन्नु त सिम्टम्स के होला कालाघरको सिम्टम्स कसरी बुझ्ने त सिम्टम्स मा फर्स्ट ध्यान दिने सिम्टम्स में फर्स्ट के हाई फीवर के हाई फीवर आई रखने क्लियर फिर के स्किन बिकम्स के ब्लैक ब्लैक आई फिर के ध्यान दिने हेडक भैराखने हेडक भैराखने इवन के ध्यान दिने इनलार्जमेंट ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ के लीवर एंड स्प्लीन स्प्लीन अनि लॉस ऑफ एपेटाइट लॉस ऑफ वेट ते कॉमन हुन्छ नै लॉस ऑफ के एपेटाइट लॉस ऑफ के वेट लॉस ऑफ वेट क्लियर छ अब हेर्ने यसमा फीवर हाई भइराख्ने अनि स्किन बिकम्स ब्ल्याक गोरो मान्छे कालो हुने झन कालो हुँदै जाने अनि कालो मान्छे के हुने कालो मान्छे भैँसी भन्दा पनि कालो भइदिने अनि इन्लार्जमेन्ट अफ लिभर एन्ड स्प्लिन लस अफ एपेटाइट लस अफ वेट यो सबै सिम्टम हो क्लियर छ कसको कालाझारको यहाँ क्वेशन आयो थियो के क्वेशन आयो थियो ड्युरिङ यो क्वेश्चन आएकै हो ड्यूरिंग कालाजर फीवर फीवर क्लियर ड्यूरिंग कालाजर फीवर के मैक्सिमम इनलार्जमेंट ऑफ ड्यूरिंग कालाजर फीवर मैक्सिमम इनलार्जमेंट ऑफ के इनलार्जमेंट ऑफ ऑप्शन ए मा दिएको छ ध्यान दिनु होला लंग्स बी मा किडनी सी मा लिवर डीमा एस्प्लिन लवानस मैक्सिमम इनलार्जमेंट के कुन हुने स्प्लिन लिवर स्प्लिन क्यों आंसर
स्प्लीन के नोएडा वन स्प्लीन सर के होला बनुस तो नो आइडिया अरे ऑप्शन छ नि त्यही तपाईको सिम्टम हेर्नु त त्यही दिएछ दुईटा मध्ये त एउटा होला तीन नम्बर स्प्लिन यस वाह यो नानुले एकदम परफेक्ट बनेछ नि त हेर्नुस आखिर मिलाउनु भयो नि त नानु के नाउ हाम्रो नानुको निसी की प्रिंसी सर निसी ओ वाह एउटा प्रिन्सी भन्थ्यो नानु अर्को नानु निसी वाह क्या नाउ छ राम्रो नाउ वेल डन एक्चुअली स्प्लिन नै हुन्छ म्याक्सिमम है नानु बाबु ओके अब हामी फेरि कुरा गर्दैछु भन्ने ध्यान दिने है त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौ अब यसपछि अर्को फेर जाउँ ट्र्याप्नोसोमाको बारेमा जो दुईटा त्यसपछि यो क्लास सकिन्छ ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी ल भन्नुहोस् ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी कजेज अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस कजेज के अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है और के भनिन्छ यो डिजीलाई अर्को नाउँ के चेगास अरू के भन्छ चेगास अनि मोस्ट कमन कलाई लाग्ने यो डिजिज मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने चाइल्डलाई यस त्यसपछि यसको हामी सिम्टममा हेर्दा यो कसरी बुझ्ने सिम्टम के लाग के हुन्छ त यो लाग्दाखेरि कसरी बुझ्ने कि मलाई यो स्लिपिङ सिकनेस हो सिम्टम्समा कसरी बुझ्ने है सिम्टम्समा फर्स्ट के हुने हेडक भइराख्ने हेडक टाउको दुखिराख्ने अनि के अनइजी फिलिङ हुने inactive के inactive means dullness के dullness जहिले पनि निन्द्रा लाग्ने जहाँ पनि सुत्दिने dullness क्लियर छ inactive headache क्लियर छ यस्तो कुराहरू loss of judgment के loss of के judgment अनि के loss of memory लॉस ऑफ के मेमोरी है त यादाश शक्ति हराउने आफ्नै आमा बुवालाई पनि के भन्ने ओहो तपाईँको आमा बुवाले तपाईँको म कहाँ हो म को यस्तो कुराहरू अनाद सनाद कुरा गरिराख्ने इट मिन्स वाट उसको मेमोरी पावर के लस हुँदैछ उसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर वर्क गरिरहेको छैन बुझ्नु पर्छ अनि के टेम्पोररी होला नि सर हो टेम्पोररी नै हो फेरि यो अस्ति खायो भने निको हुन्छ खाएन भने त फेरि गाह्रो छ है त अनि यसको अब लाइफ साइकल के होला डाइजेनेटिक लाइफ साइकल के डाइजेनेटिक अनि यो बस्छन् कहाँ हाम्रो बडीमा हेबिटेट कहाँ होला भन्नु त पहिला हेबिटेट कहाँ हेबिटेटमा ब्लड के ब्लड ब्लड भेसल के ब्लड भेसल लिम्फ के लिम्फ लिम्फ वेसल सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इवन के सीएसएफ ऑफ के ह्यूमन के हाम्रो ब्लडमा बस्ने ब्लड भेसलमा लिम्फ वेसलमा सेंट्रल नर्वस सिस्टममा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडमा
यो हाम्रो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडलाई नै ड्यामेज गरेको कारणले मान्छे के हुन्छ टोटली इनएक्टिभ भइदिने, काम ब्रेनले काम नगर्ने, याददाश्त शक्ति हराउँदै जाने है, त्यस्तो कुराहरू यसमा हुन्छ। लाइफ साइकल यसको के हुने, डाइजेनेटिक, लाइफ साइकल के डाइजेनेटिक। एकमा के प्राइमरी होस्ट के भइदियो, प्राइमरी होस्ट के भइदियो ह्युमन, सेकेन्डरी होस्ट के भइदियो किसिङ फ्लाई। यस, किसिङ फ्लाई, वाह वेल एन ननु, किसिङ फ्लाई त्यो पढाइदिएको थियो मलाई लाग्छ तिमीहरूलाई, होइन नानु बाबु? किसिङ फ्लाई, किसिङ फ्लाईको साइन्टिफिक नेम के, ट्रायाटोमा, के ट्रायाटोमा, ट्रायाटोमा, ओके ठिक छ। अर्को पढ्नु पर्ने के हो भने ट्राइपनोसोमा ग्यामिनिज, के ट्राइपनोसोमा ग्यामिनिज, यो कॉजेस के अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कॉजेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस यो डिजी मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने, अफ्रिकन मान्छेलाई लाग्ने, त्यसले के मोस्ट कमन इन के एडल्ट, मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने एडल्टलाई, कालो हप्सीलाई, मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने, कालो हप्सीलाई, एडल्ट पिपल, क्लियर छ? है, ट्राइपनोसोमा ग्यामिनिज कई अर्को क्यारेक्टर, यो हेबिटेट पनि के भइदियो, सेम हेबिटेट, यसको के भइदियो, सेम माथि जस्तै हेबिटेट के भइदियो, सेम सिम्टम पनि के भइदियो, सेम सिम्टम्स पनि के भइदियो, सेम माथिकै जस्तै, के सेम, क्लियर छ? तर के चेन्ज छ, लाइफ साइकल, के लाइफ साइकलमा कुरा गर्दाखेरि के लाइफ साइकल, लाइफ साइकलको कुरा गर्दाखेरि के हुने त, लाइफ साइकलको कुरा गर्दाखेरि लाइफ साइकल के डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक के प्राइमरी होस्ट, होस्ट के ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट के सीसी फ्लाई, के सीसी फ्लाई, सेकेंडरी होस्ट के सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई को साइंटिफिक नेम क्या होला, एनवरी ट्राई ग्लोसिना पाल्पेलिस, के ग्लोसिना पाल्पेलिस, सिम्पल भाषामा यो क्वेशन सोधेछ, फेरि तीन चोटि सोधेछ, के क्वेशन सोधेछ, ध्यान दिनु कसरी सोधेछ, हेर्नु ध्यान दिनु है त, मात्र क्वेशन के दियो कि स्लिपिङ सिकनेस डिजिज, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन ए मा दिएको थियो कि त ध्यान दिने, हाउस फ्लाई, बी मा दिए थियो बटरफ्लाई, सीमा दिएको थियो
कि त सीसी फ्लाई डी मा दिए थियो कि त हॉर्स फ्लाई के हॉर्स फ्लाई लवनुस आंसर क्या होला सी सी आंसर इज सी क्लियर छ अब हामी कुरा गरौं क्लास दोस्रो के राइजोपोडिया और यसलाई अर्को नाउँ के भन्ने राइजो के एनीबडी के सार्कोडिना भनेर मिनिङ हो पोडिया पोडिया भने जहिले पनि लास्टमा भयो भने के बुझ्नु पर्यो यसको बडी के हो इरेगुलर सेप हो बडी के हो इरेगुलर सेप हो अनि लोकोमोसन भाइ के हो सिरोपोडिया क्लियर छ त्यसमा पर्ने मोस्टली के भने एक्वेटिक मोस्टली के भइदियो एक्वेटिक अनि लोकोमो बडिज के इरेगुलर सेप इरेगुलर सेप कस्तो भइदियो इरेगुलर सेप लोकोमोशन बाय सिरोपोडिया लोकोमोशन बाय सिरोपोडिया अनि के ऑब्वियसली बॉडी इरेगुलर शेप त्यसपछि के बॉडी नॉट कवर्ड विथ पेलिकल हैव के ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस हैव ओनली वन टाइप ऑफ के न्यूक्लियस क्लियर छ अब ल भन्नुहोस् यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छ नो देन इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् यसको के इक्जाम्पलमा फर्स्ट अमिबा प्रोटियसैको कुरा गरौँ अमिबा प्रोटियस अमिबा प्रोटियस के हुने यो फर्स्ट के हामी कुरा गर्दा फ्री लिभिङ हो फ्री लिभिङ मिन्स नट कजेस डिजिज फाउन्ड इन फ्रेस वाटर फाउन्ड इन के बोथ बोथ फ्रेस एन्ड मेराइन वाटर फ्रेस एन्ड के मेराइन वाटर मेराइन वाटर फेरि यहाँ हेरौँ यसको स्ट्रक्चरमा यहाँ हेर त यो के भयो न्युक्लियस यो के भयो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल तर यो
चुच्चु जस्तो लोभ जस्तो सिनोपोडिया निस्क्यो नि लाई हामी के भन्छौँ लोगोपोडिया लोगोपोडिया यो के हो साइटोप्लाज्म हो के साइटोप्लाज्म हो र के अमीबा कोलोकोमो टाइप अफ सिडोपोडिया होइन अमीबा आन्सर के होला टाइप अफ सिडोपोडिया सिडोपोडिया इन अमीबा obviously your pre-living means not cause disease. Obviously the question aaya cha if fresh water ke fresh water amoeba amoeba is kept in if fresh water amoeba is kept in marine water if fresh water amoeba is kept in ke marine water then CV will option A ma cha disappear B मा छ disappear 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 C मा work slowly work slowly D ma ke e fresh water amoeba ke disappear only fresh water amoeba kept marine water ke A ma appear B ma disappear C ma work slowly D ma work very fast Lavan answer kya hola appear a bhaneko nanu disappear disappear sabile bhaneko disappear char nota chan char jana bhannus kunai ko right bhayalcha babu nanu a b kale bhannu ho एक्चुअल आंसर के हुन्छ फ्रेश वाटरमा कन्ट्रेक्टाइल भएको हुन्छ तर मराइन वाटरमा कन्ट्रेक्टाइल जसको कारण बाहिर सबै पर्दैन त फर्स्टै के भइहाल्छ डिसएपियर के भइहाल्छ डिसएपियर कुरा बुझ्नुभयो यहाँ साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इन्टु के टु पार्ट आउटर इक्टोप्लाज्म इनर के इन्डोप्लाज्म बुझ्नुभयो अर्को एग्जांपल हेर्नुस् यसको अर्को एग्जांपल इन्टमीबा हिस्टो के इन्टमीबा कुलाई Intamiva coli now Intamiva coli ke kyo common salism kyo common salism non pathogenic ke non pathogenic pathogenic found in ke colon
फाउंडिन कहाँ इंटरनल में कोलाई कहाँ फाउंडिन के कोलन अनि यो इसको लाइफ साइकिल क्या होता मनोजेनेटिक लाइफ साइकिल के मनोजेनेटिक और सुनिए यू कॉमन सेलिज्म मैंने क्यों किया एनी ट्राई हाउ टू डिफाइन कॉमन सेलिज्म सर यो इकोलाइज मैंने ह्यूमन में बसन था इले यो इले सेंटर पाउंड सा तरह ह्यूमन लाइज के अफेक्ट कर देना ह्यूमन ले इस टाइम में भी नहीं पाउंड यस ह्यूमन ले अफेक्ट कर देना तो ह्यूमन को बॉडी में बसे होने दिला खाना खाई रहता नहीं ह्यूमन को क्या खाना खान चाहिए जीरो Yes, monogenetic, obviously not cause disease if it is found in colon region of human and not even ke feeds upon human stool. These are cancer human ko nanu. These are even like ganu pane, raknu pane ki phalnu pane. Bolo. Obviously, phalnu pane, these are bahira phalnu pane ho. Clear cha? Jasko karan hamile jase pane nikal me bahira phalnu pane. यो खाओस् या रहोस् हामीले के हानि पनि भएन लाभ पनि भएन है त अर्को के हामी कुरा गर्छौँ यो तर यो ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ मोड अफ ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ हाम्रो बडीमा पुग्छ कसरी कन्टामिनेटेड वाटर के वाटर कन्टामिनेटेड के वाटर इन्टरमिवा कोलाई पछि के इन्टरमिवा जेन्जेभिलिस Int amoeba gingivalis normally int amoeba gingivalis causes ke pehla to ke causes ke anybody causes ke paria कजेस के पारिया पारिया भनेको बैड स्मेल मुख गनाउने मुख गनाउने फेरी बस्ने कहाँ हाम्रो फाउन्डिन कहाँ फाउन्डिन टिथ एन्ड गम रिजन गम रिजन इन माउथ त्यसैले यसलाई के भन्यो माउथ अमिवा पनि भन्यो अल्सो कल के माउथ अमिवा अल्सो कल के माउथ अमिवा लाओ अब आयो के इन्ट अमिवा हिस्टोलाइटिकाको यसको पनि मोड अफ ट्रान्समिसन कसरी हुने कन्टामिनेटेड वाटर अर के फ्रेन्च किसिम मोड अफ ट्रांसमिशन के हो कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड के वाटर
आवा लाइफ साइकल इसको पनी क्यों से मनोजेनेटिक एनीबडी एनी क्वेश्चन छ यहाँ नबुझे कुराहरु मेच्योर फीडिंग स्टेज के होता इंटरमीवा जिंदी वेली से कुलाई सोई को मेच्योर फीडिंग स्टेज को ट्रोपोजोइट नहीं हो बाबू ट्रोपोजोइट हो मेच्योर फीडिंग स्टेज के ट्रोपोजोइट पर वेलिस को पनी कुलाई को पनी पर मानो सर तो प्रीवियस स्लाइड में तो टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया इन इमोबाइल लिखने बात हुई नहीं सर तो तीस को सर की जो लाउनु सर तो प्रीवियस स्लाइड प्लीज सिरोपोडिया सिरोपोडिया वेरियस टाइप को सिरोपोडिया अंश राइजोपोडिया में क्लास में आई है एउटा एक्टिनोपोडिया फिलोपोडिया है ना अनि के ये तो ये लाई हमी कोरा कर देता हूँ कि तो सिरो तेज लोगो पोडिया तेज मध्य में अमीबा माँ के अंश कि लोगो पोडिया लोग जस्तो होने अनि पॉइंटेड होने ते लाई हमी के अंश एक्टिनोपोडिया तेज तो हो टाइप हो थैंक यू सर ल अब हामी कुरा गरौँ जसलाई इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ इन्ट अमिबा हिस्टोलाइटिका को अलिकति जारौँ इन्ट अमिबा हिस्टोलाइटिका इन्ट अमिबा हिस्टोलाइटिका कुरा गरौँ इन्ट अमिबा हिस्टोलाइटिका कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट न मिनिङ नै हेर इन्ट अमिबा इन्ट्रोज भनेको विदिन अमिबा भनेको इरेगुलर हिस्टोज भनेको टिस्यु लाइसिस भनेको डिजल्भ त के यो इन्ट अमिबा हिस्टोलाइटिका टु डिजल्भ द के टिस्यु and damage the tissue and causes ke fetal amoebic dysentery so you first ke int amoeba histolytica causes ke amoebic dysentery soy sudicha amoebic dysentery or ke amoebiasis amoebic dysentery or ke amoebiasis in ke human amoebiasis in ke human monkey donkey in haru pani huncha clear cha aba amoebic dysentery kasari bujhne ta hamro yo basne ka found in ke intestinal region इंटेस्टाइनल रीजन सिम्टम्स कसरी बुझ्ने कि यही भएछ भन्ने सिम्टम्स को कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट के एब्डोमिनल पेन पेट दुख्ने के एब्डोमिनल पेन सेकेन्ड मा ध्यान दिने फर्स्ट एब्डोमिनल पेन सेकेन्ड मा हामी कुरा गर्दै छौ नि अमोबिक के स्टूल विथ दिशा संग संग क्या होने पैट पैट दिशा होने स्टूल विथ के क्या होने ब्लड एंड के म्यूकस रगत आउने अनि के आउ पनि आउने ब्लड बने तो रगत भयो म्यूकस बने को आउ आयो स्टूल में ऑब्वियसली इसमें इसमें पनि नौसिया होने तर वोमिटिंग ना होने नौसिया लॉस ऑफ एपेटाइट लॉस ऑफ के एपेटाइट मीन्स भोक न लागने आई अनि बॉडी कमजोर हुँदै जाने लॉस ऑफ के वेट क्लियर छ यो सबै सिम्टम हो पेट दुख्ने अलिअलि दिशामा के हुने दिशा अलिअलि दिशा भइराख्ने दिशामा के आउने रगत पनि आउने र आउ पनि आउने के आउने रगत पनि आउने र के आउने आउ पनि आउने रगत पनि आउने र के आउने आउ आउने म्युकस आउने अनि वाक वाक लागिराख्ने भोक नलाग्ने लामो समय बढ्दै गयो भने के हुन्छ यो अमोबिक डिसेन्ट्रीबाट के पुग्छ नि यो बडीको डिफरेन्ट पार्टमा पुगिदिन्छ आरबिसीलाई मजाले खाइदिन्छ यसले आरबिसीलाई खान्छन् क्लियर छ जसको कारण यसले पहिला त घाउ गर्ने अल्सर गर्ने क्यान्सर गर्ने क्यान्सर समेत गर्छ बडीको एनी पार्टमा पनि पुग्न सक्छ ब्लड हुँदै तर मोस्ट कमन हैबिटेट के हो इन्टेस्टाइनल रिजन है अब इन्टरमेवा सिम्टम्स पछि अभियसली क्वेश्चन छ मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज के हो के मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज
क्वेश्चन छ द मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज The mature and feeding stage of Entamoeba histolytica. Option A machan mirror zoid. Infrozoid, Seema, Cryptozoid, Dima, Quadrinucleated Cyst, Lovanus, answer Kyola. Trophozoite, sir. Yes, Trophozoite. Nanu ka na okay? Ekdam right answer ho. Trophozoite. Well done, Nanu. Ani the infective stage of Entamoeba histolytica. The infective stage. Yo question pani sodheko cha. The infective stage of Entamoeba histolytica. Infective stage of Entamoeba ke histolytica answer kya hola quadrinucleated cyst yes quadrinucleated quadrinucleated cyst wait karo isto quadrinucleated cyst clear cha mode of transmission yo lagne kasari hamilai mode of transmission ke hune contaminated water hai अनि के लाइफ साइकिल के वेदी इसको मनोजेनेटिक 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 सिंगल होस्ट दैट इज ह्यूमन क्लियर छ अब हामी कुरा गर्दै छौ के ध्यान दिने हामीलाई 5 मिनेट को ब्रेक गर्दै छौ बाउनानु है 5 मिनेट को हामी ब्रेक गर्दै छौ त्यसपछि कन्टीन्यु गर्ने है नानु बाबु क्लियर छ है 5 मिनेट को ब्रेक छ है बाउनानु
सुनौ हाई त अब हामी कुरा गर्दै छौ के त क्लास के स्पोरोजुआ के स्पोरोजुआ याद रख्ने यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो बीबीआई हो है त पहिला त्यही बुझौँ फर्स्ट के अब्सेन्स अफ लोकोमोटरी अर्गेनै हुँदैन यसमा के अब्सेन्स अफ के लोकोमोटरी अर्गेन के लोकोमोटरी अर्गेन्स सेन्स अफ के लोकोमोटरी अर्गेन हुँदैन मिन्स अल प्रोटोजोन्स हैव लोकोमोटरी अर्गेन एक्सेप्ट क्लास स्पोरोजुआ क्लियर छ सर मानु बाबु सर इन्टाइमोबिया हिस्टोलाइटिकम हैन सर कोजेटिभ स्टेज र त्यो इन्फेक्टिभ स्टेजको ठ्याक्कै डिफरेन्स के हो सर कोजेटिभ स्टेज भनेको कजेस डिजिज इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको इन्टर इनसाइड दि डेफिनेट होस्ट बॉडी मिन्स जस्तो कि क्वाडिनिक्लेटेड हामी कन्ट फोहर पानी खायो भने हाम्रो फोहर पानी सँगैसँग क्वाडिनिक्लेटेड सिस्ट हाम्रो बडीमा आउँछ मुखबाट हुँदै स्टोमेकमा जान्छन् त्यस्तोलाई जो इन्टर गर्यो नि हाम्रो स्टेजमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्फेक्टिभ स्टेज सिम्पली इन्ट्रिङ द स्टेज अफ प्यारासाइट बाई दि बाइटिङ अफ इन्सेक्ट आइदर के मानौ कि कन्टामिनेटेड वाटर अर फुड त्यसलाई हामी इन्फेक्टिभ स्टेज कजेटिभ स्टेज विच कजेस डिजिज ड्यामेज दि बडी पार्ट एन्ड फाइनली के त डिस्ट्रोय दि होस्ट त्यसो भए यो क्वाडिनुक्लेटेड सिस्टले हामीलाई केही त्यो हार्मफुल चाहिँ छैन मतलब हाम्रो लागि क्वाडिनुक्लेटेड सिस्ट हार्मफुल छैन तर त्यो सिस्ट पछि गएर के हुन्छ रप्चर डिभाइड मेच्योर हुन्छन् र डिभाइड पहिला रप्चर डिभाइड हुने र ओक्टानुक्लेटेड सिस्ट बनाउँछ र फेरि रप्चर भएपछि आठवटा नर्मली के त डटर यसको बनाउँछन् कि नर्मली के डटर न्युक्लियस न्युक्लियोटाइड्स अनि त्यसपछि त्यो जुन त्यसबाट प्रत्येक हुने मेच्योर हुने र मेच्योर भएको स्टेजलाई हामी के भन्छौँ त के त ट्रोपोजोइट स्टेज थ्याङ्क यू सर है त अब सेन्स अफ लोकोमोटरी अर्गेन त्यसपछि के अब सेन्स अफ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल अब सेन्स अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल क्लियर छ अब सेन्स अफ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल All are endoparasites. All are K endoparasites. Endoparasites. Clear, sir? Means only endoparasite, not ectoparasite. Fairy. Body is covered with pellicle. Covered with K pellicle. फेरि के हैव ओनली वन टाइप अफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस यो सबै क्यारेक्टर भयो कसको क्लास स्पोरोजुआ यो क्वेशन जुलोजीमा सुन्दा बढी चोटि सोधेको 24 चोटि यही सोधेको छ अब सेन्स अफ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल दुईचोटि सोधेको छ अल आर इन्डोप्यारासाइट के तिनचोटि सोधेको छ ओन्ली वान क्लास अफ प्रोटोजोआ विच इज इन्डोप्यारासाइट कम्प्लिटली इन्डोप्यारासाइट आन्सर के हुने स्पोरोजोआ एन्ड ओन्ली के दिएछ फेरि कम्प्लिटली इन्डोप्यारासाइट नट के त फ्री लिभिङ अर नट के त इक्टोप्यारासाइट द प्रोटोजोन इज द आन्सर के स्पोरोजोआ यस्तो घुमाइ घुमाइ क्वेसन आएको छ अब यसको इक्जाम्पलमा के त जानु इक्जाम्पलमा हामी कुरा गर्दा के प्लाज्मोडियम भाइभेक्स प्लाज्मोडियम फ्यालसिपेरम प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम ओवेल Plasmodium ovale, all Plasmodium causes K malarial fever. Causes K malarial fever. Malarial fever. Clear? फेरि यसैमा पर्ने पाउनेमा अर्को के इक्जाम्पलहरू हुन सक्छ ल भन्नुहोस् Monocyst. Yes, very good. अरू के
मनुष्यलाई नानु बाट नै जाऊ मनुष्य कहाँ बस्ने कहाँ पाउँछ फेमिनल वेसिकल अफ कहाँ ठीक छ नानु भन भन राइट आन्सर हो सेमिनल वेसिकल्स अफ अर्थवर्म फाउन्ड इन सेमिनल वेसिकल्स अफ अर्थवर्म डिस्कल सब के अर्थवर्म वेल डन अब आयो क्लास के अब इसको प्लाज्मोडियम को हम डिटेल में जान तेरे टेंशन नलिने पूरे डिटेल में जान क्लास के सिलिएटा क्लास के सिलिएटा सिलिएटा में आए तो ऑब्वियसली लोकोमोशन वाई के सीलिया बॉडी इज कवर्ड विथ पेलिकल Body is covered with a pellicle. Very mostly aquatic. Have ke two types of nucleus. Have two types of nucleus. Okay, two types of nucleus, ma. Larger called macro or mega. Smaller called micro. माइक्रो यस्तो दुई खालको न्युक्लियस भएकोलाई के भन्छ न्युक्लियर डाइमर्फिज्म न्युक्लियर डाइमर्फिज्म न्यूक्लियर भनेको न्यूक्लियस एंड डाई भनेको टू मर्फिज्म भनेको फर्म्स टू फर्म्स अफ न्यूक्लियस क्लियर छ अब यसैमा अर्को क्यारेक्टर के अब हेर ताकि लोक मोशन बाई सिलिया बॉडी इज कवर्ड विथ पेलिकल मोस्टली एक्वेटिक हैव टू टाइप्स अफ न्यूक्लियस दैट शोज के न्यूक्लियर डाई मर्फिज्म मेगा र माइक्रो न्यूक्लियस को दुईटै क्यारेक्टर सेपरेट सेपरेट हुने फंक्शन पनि सेपरेट हुने सेप साइज पनि सेपरेट हुने बाहिरबाट हामी छुट्याउन सक्ने त्यस्तो फेनोमेनललाई हामी के भन्छौ न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म क्लियर छ यसको इक्जाम्पलमा के त हेरौँ त इक्जाम्पलमा प्यारामेसियम प्यारामेसियम कोर्डेटम पैरामेसियम कॉर्डेटम नहीं पैरामेसियम ऑरेलिया Paramecium bursaria Paramecium trachea
पैरामेसियम मल किसी पक्षी के अर्को मल्टीन्यूक्लिएटम त्यो त हुन्छ नि नानु अर्को पैरामेसियम सँगसँग बैलेन्टिडियम कुलाई कुलाई भर्टिसेला है अब यो सबै प्यारामेसियम हामी कुरा गर्दैछौँ नि फ्री लिभिङ हो अल प्यारामेसियम आर के फ्री लिभिङ हो सबै के हो फ्री लिभिङ हो मिन्स नट कजेज के डिजिज बैलेंटीडियम कुलाई कॉजेज के एनीबॉडी के सिलियरी डिसेंट्री डिसेंट्री सिलियरी वर्टिसेला कॉमन नेम के बेल एनिमल क्यूल के बेल एनिमल क्यूल बेल एनिमल केवल अब हामी डिटेलमा प्यारामेसियमको बारेमा जान्छौँ जान्न खोजिरहेछौँ है त प्यारामेसियमको बारेमा डिटेलमा हामी अलिकति स्टडी गरौँ त प्यारामेसियम पहिला त यो पनि बिबिआई हो प्यारामेसियमको फर्स्ट कमन नेम एनीबडी ट्राई स्लीपर एनिमल क्यूल नेम ऑफ पैरामेसियम नेम पैरामेसियम नेम ऑफ पैरामेसियम coined by anybody try or given by John Hill yes John Hill well done John Hill aba हैबिटेट पछि मोस्ट कमन एन्ड लार्जेस्ट स्पेसिज के स्पेसिज कमन स्पेसिज हो प्यारामेसियम भर्खर बताए कॉर्डेटम कॉर्डेटम क्वेशन आएछ कि मोस्ट कमन लार्जेस्ट स्पेसिस अफ प्यारामेसियम
most common and largest species of paramecium. आंसर केवल इसी मध्य चार वटा चा ऑप्शन पैरामेशियम कॉर्डेटम यस बी सी एंड डी यस आंसर पैरामेशियम कॉर्डेटम क्वेश्चन फेरी ग्रीन कलर पैरामेशियम इज ग्रीन पैरामेशियम बुर्सेना की नानु फिर बना बुर्सेरिया हो ग्रीन कलर पैरामेशियम ग्रीन कलर पैरामेशियम इज आंसर क्यों ने बर्सेरिया है अब स्ट्रक्चर तीर गई रहु स्ट्रक्चर को बारे में इस मध्य कसैलाई केही गाह्रो छ कमन कुरा बेसिक अब स्ट्रक्चर में हाई तो स्ट्रक्चर हे पैरामेसियम पैला यसलाई यो माथिको रिजन हो यसलाई पहिला फर्स्ट के भन्नु पेलिकल है त यसलाई के भन्ने पेलिकल यसलाई के भन्ने ट्राइकोसिस्ट ट्राइकोसिस्ट यसबाट निस्केको यस्तो सानो सानो कपाल जस्तो स्ट्रक्चर निस्केको के भन्छ सिलिया अनि यो ओपनिंग लाई के ओयल ग्रोस यो लाई के ओरल ग्रो यो लाई के वेस्टिबुल यो लाई के बक्कल कैविटी यो के साइटोस्टोम
यूके साइटोफायरिंग्स साइटोफायरिंग्स एलाइके साइटोपाइज साइटोपाइज अनि यो सबैलाई ना होला भनौँ पिल्कलबाट स्टार्ट गरौँ है त पिल्कलबाट स्टार्ट गरौँ गर्नुपर्छ नि के किन त्यति गौरवसँग दुश्मन भइसकेको छ किन पिल्कल भनेको के यो पेलिकल के होला सबै आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन यसले के काम गर्छ एनी ट्राई इट मेन्टेन्स फिक्स शेप एन्ड साइज मेन्टेन्स के फिक्स शेप एन्ड साइज हो कि होइन सेप एन्ड साइज जस्तो कि अमिबामा पेलकल नभएको कारणले यसको बडीको सेप साइज फिक्स हुन्छ भनौँ हुँदैन त्यस्तै पेलकल पछि हामी कुरा गरौँ सिलियाको बारेमा ल भन्नु सिलिया के त सिलिया के हो पहिला न्युमरस हो धेरै हो न्युमरस हो अनि सिलियाले के काम गर्छ हेल्प्स इन के लोकोमोसन लोकोमोसन अर्को के फुड क्याप्चरिङ अर्को के फुड क्याप्चरिङ अर्को के अट्याचमेन्ट 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 सिलिया त्यति मात्र होइन योलाई के भन्यो यो सिलिया हो है अब द सिलियरी मुभमेन्ट अफ प्यारामेसियम इज कॉल्ड एनीबॉडी जो भन्यो त्यसको नाउन निस्किँदैछ स्कलरसिपमा इन्फ्रासिलियरी बीटिंग यस इन्फ्रासिलियरी बीटिंग और के नानु निसीले भनेको प्रिन्सीले आन्सर कसले भनेको निसी कि प्रिन्सी निसी निसी दुईटी बहिनी तिमी दिदी बहिनी हो होइन सर निसी प्रिन्सी निसीको घर कहाँ नानु एकदम पर्फेक्ट आन्सर मिलाएछ वाह एकदमै खुस गरिदियो मन है भेरी गुड एकदम एक्सिलेन्ट आन्सर हो नानु यो त कसैले भन्दै भन्दैन यस के द सिलियरी मुभमेन्ट्स अफ प्यारामेसियम इज नोन एज सिलियरी मुभमेन्ट एकदमै हिटलिस क्वेशन हो यो फेरि मुभमेन्ट अफ प्यारामेसियम is called infraciliary beating one and ekdam perfect answer infraciliary beating beating or ke hola anybody prinsi bhanna ta aru ke or pehla prinsi le bhanna de nisi tespachi ya babu le anybody infraciliary system ke neurometer system न्यूरोमीटर की मोटर न्यूरोमोटर यस बाबू को नाम के गजेंद्र शाह गजेंद्र शाह कहाँ घर हो बाबू दादा सर वीरगंज ओ वेरी गुड एकदम राइट आंसर हो कति नंबर ल्याउँदैछ बाबू अहिले अहिले 120 120 फ्रेशर हो फ्रेशर हो सर ए तब त राम्रो छ 120 त धेरै राम्रो न्युरोमोटर सिस्टम वेल डन एकदम राइट आन्सर हो दुइटैजना हो प्रिन्स निसी निसी एन्ड मिस्टर राजीव शाह के गजेन्द्र शाह होइन बाबु
हजुर सर यस एकदम राइट आन्सर हो है पावर सुन्नी सिलिया अरेंजिंग के 9+2 माइक्रोट्यूबल्स सिलिया अरेंज इन 9+2 माइक्रोट्यूबल्स टू के माइक्रोट्यूबल्स ट्यूबल्स क्लियर छ त्यो कसरी अरेंजमेंट हुन्छ यहाँ हेरौ टू के मने सेंटर में नाइन के होने पेरी फेरी में नाइन का होने पेरी फेरी में इस तो एलिमेंट ऑफ सिलिया को लाया हमी के अंजाऊ की ता 9+2 माइक्रोट्यूबल्स को एलिमेंट फेरी यहाँ है रहो और को इसको कैरेक्टर यो है रहता ऑल सिलिया इक्वल शेप एंड साइज थ्रूआउट होल बॉडी एक्सेप्ट पोस्टेरियर रीजन इन पोस्टेरियर रीजन सम सिलिया हाईली मॉडिफाइड इनटू कि हार्ड हेयर लाइक टफ स्ट्रक्चर फिर लॉन्ग पनी साइज लॉन्ग हार्ड हेयर लाइक टफ स्ट्रक्चर दैट इज सो कॉल्ड व्हाट इसीलिए लाइक कॉडल टफ यस कॉडल टफ वेल द निसु वाले हो आंसर निसी हो यस सर यस सर यस वेरी गुड हमारे निसी को घर का निसी सिरहा सर सिरहा वेल डन नानु एकदम परफेक्ट हो है परफेक्ट आंसर हो नानु के भयो भाग दे ना हो कॉलर टप कॉलर टप को काम क्यों ला नानु बाबू फिर क्या ही दिया है तेरी को तेरी को क्या आई दियो ओहो कॉरल टप को नाम क्यों नानु निसी नहीं बना डिफेंस एक्शन डिफेंस एक्शन हो ही ना नानु यस सोलिना तिमल सिना लेख लेख छ तिमी सिना सालिसी कदी के लेके जे सली सली तिमी सिना हो के तिमल सिना हो सली सली की सली ना लेके जे आंसर तो लेके जे राइट लेके जे कॉरल टप हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी व्हाइल चेंजिंग द डायरेक्शन कॉरल टप के काम करयो हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी व्हाइल चेंजिंग द के डायरेक्शन मुझे नानु बाबू अब आरे के ओरल ग्रुप भाई ओरल ग्रुप में हेरा त म बताउँदै गइरहेछु हेरा त ओरल ग्रुप बाट के इन्टर गर्छ वाटर फूड जस तल के दिएको छ सिलिया तल के छ वेस्टिबुल वेस्टिबुल को तल के छ बकल कैविटी को तल के छ साइटोस्टोम साइटो भनेको सेल स्टोम भनेको माउथ साइटोस्टोम पोस्टेरियरली टू के शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड साइटोफायरिंग्स के साइटोफायरिंग्स पोस्टेरियरली फॉर्म्स के न्यू फूड वेसिकल यो के हुन्छ न्यू फूड वैकुल पोस्टेरियरली के न्यू फूड वैकुल इसको बारे में लेके आनु तो कहाँ गए हराया कि क्यों 15 को सिर्फ क्यों ये ठीक था आई तो हमी के कर बनी ओरल ग्रुप को बारे में बनो आई तो ओरल ग्रुप मैं पहला के इंटर कर चा भाई के इंटर कर जाओ वाटर प्लस फूड यो हो गई दुईटे के इंटर कर यो बाट बॉडी में इंटर कर चा अनि ओरल ग्रुप पोस्टेरियरली टू के वेस्टिबुल 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 कंसिस्ट ऑफ के सिलिया वेस्टिबुल कंसिस्ट ऑफ के सिलिया सिलिया को काम के एनीबॉडी ट्राई यो सिलिया का काम के बाबू नानू सिलिया फूड कैप्चर द वांटेड फूड मटेरियल एंड रिजेक्ट द अनवांटेड फूड मटेरियल बाय कौन मेथड एनीबॉडी सेलेक्ट द वांटेड फूड एंड रिजेक्ट द अनवांटेड फूड मटेरियल बाय
के फिल्टरिंग मेथड बाई के फिल्टरिंग मेथड सो पैरामीशियम इज ऑल्सो कॉल के फिल्टर फीडर फिल्टर फीडर कॉलेवन यो पैरामीशियम लाइट फिल्टर फीडर वेस्टिबुल पोस्टियरली लीटू के बक्कल कैविटी लीटू के ध्यान दिनी साइटोस्टोम साइटोस्टोम साइटो बने को सेल स्टोमा बने को माउथ आल्सो कॉल के सेल माउथ साइटोस्टोम पोस्टियरली फॉर्म्स के शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल के साइटोफायरिंग्स के साइटोफायरिंग्स साइटोफायरिंग्स पोस्टियरली फॉर्म्स के न्यू न्यू फूड वैकुल फॉर्म्स के न्यू फूड वैकुल्स न्यू फूड वैकुल्स क्लियर छ ओके है त फेरि हामी कुरा गर्दै छौ नि यो के आयम छ भने है अब हामी हेरौँ त्यसपछि के अर्को क्यारेक्टर के हेरौँ ट्राइकोसिस्ट के हेरौँ ट्राइकोसिस्ट के हेर्ने ट्राइकोसिस्टमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि के ट्राइकोसिस्ट के हुन्छ है अरे के आज भइरहेको ट्राइकोसिस्टको कुरा गरौँ है त यहाँ आएर ट्राइकोसिस्टको बारेमा जाऊ है ट्राइकोसिस्टमा है यो पनि के हो न्युमेरस धेरै छ न्युमेरस हुन्छ अनि के हलो बोटल सेप के हलो बोटल सेप हो बोटल सेप है त फेरि हामी कुरा गरौँ इच ट्राइकोसिस्ट कन्सिस्ट अफ के थ्री पार्ट के थ्री पार्टमा हेरौँ यसलाई के भन्ने क्याप यसलाई के भन्ने स्पाइक यसलाई के भन्ने साफ्ट 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 अलवेज फिल्ड विथ के म्याट्रिक्स साफ्टमा के हुन्छ म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स कन्टेन के पोइजन फ्लुइड म्याट्रिक्स कन्टेन के पोइजन फ्लुइड एन्ड म्याट्रिक्स द्याट्स वाइ ट्राइकोसिस्ट हेल्प्स इन के ट्राइकोसिस्ट हेल्प्स इन डिफेंसिव डिफेंसिव के ऑफेंसिव फिर के अटैचमेंट यो क्वेश्चन बार बार सोधी रहे थे ट्राइकोसिस्ट हेल्प्स इन के डिफेंसिव ऑफेंसिव अटैचमेंट एक चोटी तीन टाइप दियो रहा लास्ट में क्या दियो ऑल ऑफ दिए गए आंसर क्या होना ऑल आंसर क्या दियो ऑल फिर एक चोटी तीन टाइप दियो रहा लास्ट में क्या दियो नन ऑफ दिए गए तो तीन वाला बेस्ट आंसर क्या होगा डिफेंसिव क्या डिफेंसिव क्या ऑफेंसिव त्यति बेला बेस्ट आन्सर के हुन्छ डिफेन्सिभ नानु यो सोधेछ है आयममै सोधेको छ नि यस्तो है त ट्राइकोसिस्ट पछि हामी कुरा गर्दैछु सिलिया ट्राइकोसिस्ट पेलिकल ओरल ग्रुप पछि के त नर्मली हामी के त फुड कन्ट्रेक्टाइल भएको कुरा गरौँ के को बारेमा कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुलको बारेमा है त सिभी हाउ मेनी कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल टू के एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर सिभी
इंटीरियर सीवी एंड के पोस्टेरियर सीवी यहाँ आ रहा हूँ एक चीज नहीं तो यहाँ फिगर में आ रहा हूँ योरा मेट दे चुवाई तो ये नहीं हमने मेट दे इधर को मेट दे ना नूर बुझे था मेट हो आई तो मेट दे चुवाई तो पूछो नहीं ओके सर ला अलग दिन मेट हो यो तो बुझना लाइस सजीलो उन चाह यहाँ है रो यो अनि यो इस तो पका 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 एलाई क्या ने इंटीरियर सीवी एलाई क्या ने पोस्टेरियर सीवी आई पोस्टेरियर सीवी सो टू कंट्रैक्टाइल वेपुल एंड ईच कंट्रैक्टाइल वेपुल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रेडिएटिंग कैनाल एलाई क्या ने चार रेडिएटिंग कैनाल हाउ मेनी रेडिएटिंग कैनाल सिक्स टू एलाई के रेडिएटिंग कैनाल कतिवटा सिक्स रेडिएटिङ क्यानल हुन्छ धेरै पनि सिक्स टु टेन है त अनि यसै पछि हामी कुरा गर्दैछौँ भने विच कन्ट्रेक्टाइल वर्क वर्क भेरी फास्ट इन्टेरियर अर पोस्टेरियर किनभने साइटोफेरिङ्स सिचुएटेड जस्ट बिलो द के साइटोफेरिङ्स क्लियर छ ओके त्यहाँ लेखौँ कहाँ गइदियो त्यहाँ के टु कन्डिक्टाइल भ्याकुल अनि हाउ मेनी इज सिभी कन्सिस्ट अफ के कन्डिक्टाइल भ्याकुलको काम के कुन कन्डिक्टाइल त पोस्टेरियर सिभी वर्क भेरी फास्ट वर्क ए भेरी फास्ट देन दि इन्टेरियर क्लियर अनि हेल्प इन के अस्मो रेगुलेसन हेल्प इन के ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेशन यानी के कंडक्टाइल वेपुल इज एनालॉगस टू व्हाट क्वेश्चन आ रहा था किडनी ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रेट्स यस सीवी इज एनालॉगस टू वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट है ऑप्शन में दिएको छ ए मा लंग्स बी मा दिएछ स्टोमक के स्टोमैक सी मा दिए छ किडनी किडनी डी मा दिएको छ के त डी मा दिएको छ ध्यान दिने ब्रेन आन्सर के होला किडनी यस निशीले बोलेको हो यस सर यस वेरी गुड निशी एकदम पर्फेक्ट आन्सर हो निशी ब्रेन किडनी हो किडनी जस्तै काम गर्छ क्लियर छ एनालोगस भनेको के ओरिजिन एन्ड स्ट्रक्चर्स अफ अर्गन्स आर के भने डिफरेंट बट फंक्शंस आर के सेम किडनी पनि हाम्रो किडनी हेल्प इन के अस्मो रेगुलेशन कन्डक्टाइल वेपुल पनि हेल्प इन के अस्मो रेगुलेशन ओके बुझ्नुभयो अब कन्डक्टाइल वेपुल पछि के न्युक्लियस तिर जाऊ न्युक्लियस त के न्युक्लियस पहिला फिगरमा जाऊ फिगर हेरौँ न्यूक्लियस में फिगर में न्यूक्लियस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस टू टाइप्स यहाँ हेरौ के टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के मेगा एंड के माइक्रो ए लाई के भन्ने मेगा न्यूक्लियस ए लाई के भन्ने माइक्रो न्यूक्लियस
के माइक्रोन्यूक्लियस सर एस नानु भनौ यो एन्टेरियर र पोस्टेरियर कन्ट्र्याक्टाइल भेसलको अर्को नाम के हो र एन्टेरियर कसको नजिकमा छ न्यूक्लियसको त न्यूक्लियर कन्ट्र्याक्टाइल पोस्टेरियर कसको तल छ साइटोफेरिट फारिन्जियल कन्ट्र्याक्टाइल भेसलको ओके सर हिसाबले है फेरि अब हाउ मेनी टाइप अफ न्यूक्लियस विद यू टू टाइप्स के एरा त मेगा एन्ड के माइक्रो मेगा के हो लार्जर माइक्रो के हो स्मलर मेगा के हो के त किडनी और बीन शेप माइक्रो के हो राउंड शेप हामी दुईटैको एकता हेरौँ डिफरेन्स तिर हेरौँ त के न्युक्लियस हेडिङ के दिने न्युक्लियस टू टाइप्स के मेगा एन्ड के माइक्रो माइक्रो यस्तो फेनोमेनलाई के बताएको थिए न्युक्लियर डाइमर्फिज्म के न्युक्लियर डाइमर्फिज्म है अब यो टू टाइप्स अफ न्युक्लियसमा फरक फरक डिफरेन्समा एकैचोटि जाने यसलाई के जाउँ मेगा न्युक्लियस यसलाई के भनौँ माइक्रो न्युक्लियस मेन डिफरेन्समा के त्यहाँ हेरौँ पहिला के सेप साइज कलर पिगमेंट नंबर डिवाइड्स अनि के फंक्शंस लहरम मेगा को के सेप छ किडनी सेप किडनी सेप माइक्रो के हो राउंड सेप अनि साइज मा मेगा के भइदियो लार्जर माइक्रो के भइदियो स्मॉलर स्मॉलर कलर पिगमेंट मेगा मा कुन कलर पिगमेंट हुने एनीवन ट्राई ट्रोफोक्रोमेटिन यस ट्रोफोक्रोमेटिन वेल निसी नै हो आन्सर दिने हो निसी अर्को हो यस सर यस निसी का भनेको सिरा हैन यस सर अनि कति नम्बर ल्याउँदै छ नानु अहिले तिमी सर 100 एबभ हुन्छ अलिकति मेहनत गर तिम्रो नाम निस्कन सक्छ नानु तिम्रो राम्रो कमान्ड छ ट्रोफोक्रोमेटिन कोही भन्न सकेन तिमी आन्सर दि ठ्याक ठ्याक अनि माइक्रो कन्टेन्ट विच कलर पिगमेन्ट एनीबडी आइडियोक्रोमेटिन आइडोक्रोमेटिन कलर पिगमेन्ट अलि मेहनत गराए नानु आइडोक्रोमेटिन कलर पिगमेन्ट मेगाको नम्बर जहिले पनि कति हो नि सिङ्गल माइक्रोको पनि के सिङ्गल सिङ्गल एक्सेप्ट के पैरामेसियम ऑरेलिया कतिवटा हुन्छ पैरामेसियम ऑरेलियाको दुई एन्ड पैरामेसियम के मल्टी माइक्रोन्युक्लिएटम एन्ड के पैरामेसियम मल्टी नाउँ नै छ मल्टी माइक्रोन्युक्लिएटम न्युक्लिएटम है त अनि मेगा न्युक्लियस डिवाइड बाई के एनी ट्राई मेगा न्युक्लियस ओमाइटोटी डिवाइड्स बाई ओमाइटोटी माइक्रो बोथ के माइटोटिक एन्ड के मियोटिक फंक्शंस में मेगा न्यूक्लियस हेल्प्स इन के मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म माइक्रो हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन माइक्रो हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन ल भन्नुहोस् यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छ Anybody, any question?
छैन नि ओके न्यूक्लियस पछि हामी जाऊ अब के फूड भ्याकुलमा के फूड भ्याकुल फूड भ्याकुलको कुरा गर्दा ल भन्नुस फूड भ्याकुलको अर्को नाउँ के एनीबडी also called gastriole ke gastrioles clear cha food vacuoles ani dhyan dene food vacuole moves in clockwise direction moves in clockwise direction that process is called what Anybody? Cyclosis. Okay, cyclosis. Here, sir, two choices. So, dekho, aayi question hai yoyo. In food vacuole, food first ke. In food vacuole, food first ke acidic. Food first ke acidic. Then ke alkaline. फेरि यो पनि क्वेशन सोधेको छ फूड भ्याकुल पछि साइटोपाइज साइटो भनेको के सेल पाइज भनेको के एनस अर्थ वन पढ्नु भएको छ तपाईँ पढ्नु भएको छैन अर्थ वन पढ्नु पढिसक्नु भएको छ अर्थ वनको एनसको नाउँ के भनिन्छ पाइजिडियम अर्थ वन को एनस को नाउ के भनिन्छ अर्को नाउ पाइजिडियम त्यस्तै साइटो पाइज को मिनिङ बुझ्नु भयो साइटो भनेको सेल पाइज भनेको एनस सो आल्सो कॉल सेल एनस और आल्सो कॉल साइटोप्रोग आल्सो कॉल के साइटोप्रोग एनस को काम के त हेल्प्स इन के इजेशन हेल्प्स इन इजेशन क्लियर छ बुझ्नु भो यस इसको जेनरल क्यारेक्टर सबै सक्यो अब बाकी छ रिप्रोडक्सनहरु त्यो हामी भोलितिर बताइदिन्छु है बाबु नानु कुरा बुझ्नु भयो भोलितिर बताइदिन्छु बाकीको क्यारेक्टरहरु है ल आजको लागि यति मात्र हो नानु बाबु ल स्लाइडहरु हेर्नु पर्छ अगाडिको हेर्नु पर्छ रेकर्डिंग हो ओके सबैलाई हैव अ नाइस डे बाय बाय टाटा सी यू अगेन टुमारो बाय बाय सर मोस्ट वेलकम बाबा नानु ल